मुरादाबाद के कटघर पीतल नगरी रोडवेज पर अवैध रूप से चल रही कैंटीन को लेकर शिकायत की गई है। कहा गया है कि अवैध कैंटीन के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि जुबेर ठेकेदार ने रोडवेज प्रबंधक मोहम्मद परवेज खान से शिकायत की थी कि रोडवेज पर अवैध रूप से एक कैंटीन चलाई जा रही है जिस पर अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। 10 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही है, साथ ही सभी सामान दुगने दामों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने नोडल अधिकारी से इसकी शिकायत की है। वहीं जुबेर ने बताया कि उनका ठेका 1,11,651 रुपए प्रति माह में हुआ है, मगर इन लोगों का ठेका कोई नहीं है, बिना ठेके के दुकानें चल रही हैं। साथ ही यहां रोडवेज पर वेंडर्स भी दुकानदारों से लगे हुए हैं, यह वेंडर्स अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जबकि रोडवेज की तरफ से वेंडर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही रोडवेज प्रबंधक का कहना है कि उनकी ओर से समिति बनाई जा रही है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज का ठेके नगर स्टेशन में दो ठेके हैं मेरे, वो ठेके मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ, इंचार्ज साहब और एआरएम साहब सुनते नहीं हैं। नोडल साहब आए थे, मैंने उनसे शिकायत करी थी, इंचार्ज साहब ने मुझे खामोश करने की कोशिश की, लेकिन नोडल साहब समझ गए, कमेटी बिठाने को बोल रहे थे, वो कमेटी बिठा लेकर इनकी जाँच करी है। फल स्टॉल पर कैंटीन चल रही है, वाटर एटीएम पर कैंटीन चल रही है, बाहर दो ठिए लगा रखे हैं, साके ब्लैक लिस्ट से काम करवाते हैं। एआरएम साहब से मैं कुछ बात करता हूँ कि तुम एमडी हो क्या, उल्टा जवाब देते हैं, तो वो पैसा ले रहे हैं अब जो भी कर रहे हैं फिलहाल, तो मैं शिकायत करता हूँ, मेरी शिकायत के कोई पालन नहीं होता। यहाँ देखा गया 6 महीने होगा ठेका चलाते हुए, 6 महीने से मुझे कोई लॉस हो रहा है और मेरी शिकायत पे शिकायत करते हैं कि अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, ये कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक नंबर का काम है, एक नंबर में काम करता रही हूँ और एक नंबर से ही करता रहूँगा। अभी यहाँ पर देखा गया यहाँ वाटर एटीएम लगा हुआ है, वाटर एटीएम में पानी चलता नहीं है, 20 रुपये की नकली बोतल पानी बेचते हैं, पानी कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं 40 रुपये की, 35 रुपये प्रिंट है, 40-45 के बेचते हैं, सारी मतलब प्रिंट डेट मिटानते हैं, वेंडर द्वारा माल बिकवाते हैं और मतलब बहुत दिक्कत है यहाँ पे। सब क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि नियमानुसार काम हो गए, जो भी काम है नियमानुसार हो, जो काम कर रहे हैं ऐसे ये करवाएं। अभी आप आरएम साहब से मिले? आरएम साहब अच्छी बात, आरएम साहब आते हैं तो ये लोग वेंडर भी बंद कर देते हैं और सारा काम माल हटा लेते हैं और वाटर ट्रेन में पानी चालू कर देते हैं। इंचार्ज साहब से हम कहते हैं वो सुनते नहीं हैं, जब भी और आते हैं तो और हमारे ऊपर रस्सी काटते हैं, उनसे कुछ नहीं कहते साइकिल से, क्योंकि उनसे यार आना है, उनसे माल ले रखा है, पैसे ले रखे दे रखा है ना, क्या जो भी है सब, लेकिन हमारी बात का पालन नहीं करते। जब से मैंने ठेका चालू करा है 6 बार शिकायत कर चुका हूँ, एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं करी। उस दिन नोडल साहब आए थे तो नोडल साहब से मैंने शिकायत करी तो उन्होंने कमेटी को बिठाने को बोल गए थे, अभी तक कोई कमेटी का कोई पालन नहीं। आरम साहब से आते हैं तो सामान हटा दिया जाता है, आरम साहब से ले आते हैं सामान लग जाता है। आरम साहब सुबह 6 बजे भी आ जाते हैं, सुबह 5 बजे भी आ जाते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब आते हैं